नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज सुबह, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले डेढ़ घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर ताजा तरीन खबर, साथ ही हम आपको दिखाएंगे किस तरह से समाजवादी पार्टी की धड़कनें इस वक्त तेज हुई हुए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग से कुछ ही देर बाद पार्टी के सिंबल को लेकर फैसला आएगा। साथ ही हम आपको दिखाएंगे किस तरह से 0 डिग्री ने पूरे देश के कई इलाकों में गदर मचा रखा है। लेकिन सबसे पहले बात एक ऐसे दरिंदे की करेंगे जिसकी हरकतों को सुनकर आपका खून खौल उठेगा। जी हाँ, इस दरिंदे ने 13 साल में 700 बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। लेकिन गौरतलब बात यह है कि 245 किलोमीटर का सफर तय कर दिल्ली पहुंचता था, एक खास इलाके में जाता था और वहां पर जाकर बनाता था बच्चियों को अपनी हवस का शिकार। जाते थे जीनों पर? क्यों करते थे? बताने से क्या हो जाता है? क्या दिमाग में आता था जो कि बच्चों को ही टारगेट करता था? हैं? अच्छा लगता था। पकड़ में आया सबसे बड़ा हैवान, 700 बच्चियों को बनाया शिकार। रुद्रपुर से आता था दरिंदा, 13 साल में 600 बार आया दिल्ली। राजधानी दिल्ली की सड़क पर खुलेआम घूमता ये शख्स सीरियल रेपिस्ट है और लाल कपड़ों में ठीक उसके साथ चल रही मासूम बच्ची उसका शिकार। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर की मदद से दिल्ली पुलिस ने राजधानी में खुलेआम घूमते और दरिंदगी करते इस आरोपी को दबोच लिया। और जब पुलिस हिरासत में इस दरिंदे का मुंह खुला तो पुलिस भौचक की रह गई। जैसे जैसे पुलिस ने सख्ती की, आरोपी एक के बाद एक खौफनाक राज खोलता गया। पुलिस के मुताबिक सुनील नाम का एक शख्स सीरियल रेपिस्ट है, यानी ये दिल्ली की सड़क पर शिकार की तलाश में भटकता था और मौका देखते ही बच्चियों को शिकार बनाता था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोगों ने इलाके में काफी पूछताछ की, फोटो डेवलप करा करके लोगों से पूछताछ की और न्यू अशोकनगर, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी इलाके में उसके फोटो सर्कुलेट कराए। इसी बीच 12 जनवरी सन 2017 दो बच्चियों की किडनैपिंग हुई 2 घंटे के अंतराल में, जिसमें से एक बच्ची को बहला फुसला करके और वो झाड़ियों की तरफ लेके गया था, बट शोर मचा दिया और वो खुद भाग गया। इस शख्स के निशाने पर 7 से 10 साल की बच्चियां होती थीं, जिसे वो बहाने से अपने पास बुलाता था और फिर उन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर हवस का शिकार बनाता। अब सुनिए पुलिस की पकड़ में ये कैसे अपने गुनाह को कबूल रहा है। ले जाता था इसे। कहाँ ले जाते थे? जीनों पर। क्या करते थे ले जाके? कुछ नहीं, गोद में उठाता था बस। कितने साल से ये सब कर रहे हो बच्चों के साथ? 4-5 साल। क्यों करते थे? पता नहीं सब क्या हो जाता है। नहीं, शौखिया करते थे, दिमाग में कुछ शैतान घुस जाता था? क्या दिमाग में आता था जो कि बच्चों को ही टारगेट करता था? सब पता नहीं। पता तो तुम्हें होगा ना? लगता था सर। हैं? अच्छा लगता था। पुलिस के लिए सिरदर्द बना ये शख्स पिछले कई दिनों से आंख मिचौली का खेल खेल रहा था, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के शिकंजे में आ गया। बताया जा रहा है कि शख्स पिछले 13 सालों से मासूम बच्चियों को अपना शिकार बना रहा था। वो 600 बार दिल्ली आया और 700 से ज्यादा बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस के मुताबिक उत्तराखंड के रामपुर का रहने वाला सुनील रस्तोगी पीड़ो प्रोफाइल क्रिमिनल है, जो सनक में 245 किलोमीटर दूरी तय कर सिर्फ दरिंदगी के लिए आता और फिर रामपुर लौट जाता। इतना ही नहीं, वो एक ही ट्रेन से दिल्ली आता था, एक ही कपड़े पहनकर आता और एक ही इलाके यानी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में बच्चियों को शिकार बनाता था। जब ये रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के सामने आई तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और उसके बाद आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें पीड़ित बच्चियों को भी जब सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तब उन बच्चियों ने इस सुनील को पहचान लिया। 5 बच्चों का बाप 38 साल का सुनील साल 2004 से ही सीरियल रेपिस्ट बन गया था।
2013 में बच्ची से रेप के केस में रुद्रपुर जेल में गया, लेकिन ना तो उसकी फितरत खत्म हुई और ना ही वो सुधर पाया। दीपक डालमिया के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे किस तरह से श्रीनगर में पड़ रही है हाड़ कपा देने वाली ठंड।